दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राहुल है। अभी मैं हूँ अपनी बकरियों के साथ। देखिए यहाँ पे अभी रात का समय है। आज का जो हमारा विषय है जिस पर चर्चा करेंगे वो है कि ठंड के मौसम में बकरी पालन कैसे स्टार्ट करें। तो ठंड का महीना जो होता है ना बकरियों के लिए थोड़ा मुश्किल वाला समय होता है। तो ठंड के महीने में आप बकरी पालन यदि स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आपको विशेष सावधानियाँ का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। सबसे पहले कि आप ठंडे में जब भी बकरी पालन स्टार्ट करें तो प्रॉपर आप सोच लें कि आपको रखना कहाँ पे है। शेड ऐसा होना चाहिए जहाँ पे ठंडी हवा ना लगे और धूप का व्यवस्था हो, यानी कि दिन में ना बकरियों को पूरा धूप लगना चाहिए उनको बॉडी को। ऐसा नहीं हो कि आप पूरी तरह से कवर किया हुआ आपका शेड है और दिन रात वहीं पर रह रही है, क्योंकि आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ समस्या हो जाएगी। तो थोड़ा खुला व्यवस्था रखें, खुला मतलब जहाँ पर धूप लग सके। उसके बाद रात के समय में आपको क्या करना है, शेड को पूरी तरह से ढक देना है ताकि ठंडी हवा ना बिल्कुल ही ना आ सके। तो जैसे कि ये देख रहे हैं मेरा, अभी रात ठंडा का समय रहता है तो मैं यहाँ रखता हूँ ताकि ये पूरी तरह से बंद हो जाता है तो फिर ठंडा नहीं लगता है। देखिए, और नीचे में जो बैठने के लिए पुआल का व्यवस्था कर दें, पुआल दे दें, सूखी घास दे दें ताकि उस पर आराम से बैठ सके, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। और तीसरा जो काम करना है आपको ना, उसका रूम जो होता है ना बकरी का, जो रूम है जहाँ पर रख रहे हैं, फार्म है जो भी है, वहाँ पे उसको गर्म ऐसा कुछ करें ताकि वो गर्म रहे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए ये है, ये टीना है, तेल वाला टीना है, 20-25 रुपए का मिल जाता है। और इस तरह का आपको 3-4 ले लेना है। और इसमें जो मैगनी करती है उसको जला के रख देना ताकि जो इसका वातावरण है ना, रूम का जो टेम्परेचर है वो गर्म रहता है। और नीचे रखने में दिक्कत है तो ऊपर पर टांग सकते हैं ताकि बकरियां उसको गिराए नहीं, क्योंकि फिर आग लगने का भी डर रहता है। तो ऊपर में टांग दें तार की सहायता से और इसको बीच बीच में आप क्या देखते रहें। तो ठंड में इन सब बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे ना तो फिर बकरी पालन हम ठंड में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विशेष ध्यान रखें क्योंकि ठंड में बहुत सारी बीमारियाँ आती है जो आपको परेशान करेगी, जैसे निमोनिया हो गया और बहुत सारा ऐसा रोग है, निमोनिया हो जाएगा, सर्दी खांसी, ये सब बहुत ही कॉमन है, ठंड में ही पकड़ता है, बुखार हो जाएगा। तो ये सब का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको यदि आप पहली बार बकरी पालन कर रहे हैं तो। और आप चूँकि यदि लॉन्ग खेलना चाहते हैं, ज़्यादा संख्या में बकरी पालन रखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर आपको ठंडी के मौसम में ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जो भी समस्या आनी होगी उसका अनुभव आपको अभी हो जाएगा। तो 10-15 से स्टार्ट कर लें और विशेष ध्यान रखें, ठंडी हवा बॉडी को टच ना करें, इस बात का ख्याल रखें। यदि इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। और यदि आपके पास मेमने हो तो उनका तो बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है, आप हैलोजन लाइट जो होता है वो लगा सकते हैं, या फिर कैसे भी करके रूम को गर्म रखना है, चाहे आग की सहायता से गर्म कर सकते हैं। इन सब बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे ना तो आप ठंडी में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं नीचे बैठने के लिए क्या कर देता हूँ, ये घास पुआल है, सूखी घास रहता है, ये सब डाल देता हूँ। कुछ वहाँ पे भी बैठी है, आप देख रहे होंगे तो वहाँ पे भी है। ऊपर में बैठना बकरियाँ भी पसंद नहीं करती है क्योंकि ठंड का मौसम है, और नीचे बैठती है पूरा हीट रहता है। और यहाँ मैं वो जला देता हूँ, देखिए वहाँ पे छोटा सा मेमना सब जाकर उसके करीब जाके खड़ा है, तो जिससे वो गर्म रहता है। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखेंगे तो ठंडे के मौसम में भी आप बकरी पालन स्टार्ट कर सकते हैं। और जो कुछ कॉमन दवाइयां हैं उसका भी आपको व्यवस्था करके रखना है, हमेशा फॉर्म पे रखना पड़ेगा ताकि कुछ भी समस्या हो तो आप इलाज कर सकें। इन सब बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो बहुत ही आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं ठंड के मौसम में भी। बकरी पालन से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी बकरियों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।